नेक्स्ट टॉपिक इस फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इसको हम ग्रुप थ्योरी भी कहेंगे और बेसिकली ये होता है डिफरेंट थिंग्स इन आइडेंटिकल बॉक्सेस में प्लेस करने के तरीके तो जब भी हम ग्रुप्स बनाएंगे या हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स या फिर

आर इक्वल नहीं है आपस में हैं, तो थ्री ग्रुप एन थीरियल एम प्लस एन प्लस नंबर ऑफ आइटम का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल एम एन पी तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा बनता है कि अगर मुझे ग्रुपिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा पहले टोटल नंबर ऑफ थिंग्स में से मैं एम चीजें सेलेक्ट कर लूंगा इसका एक ग्रुप बन जाएगा फिर बचे हुए एन प्लस पी में से मैं चीजें कर लूंगा उसका सेकंड ग्रुप बन जाएगा और बच हुई में से पी सेलेक्ट करेगा एक ही तरीका बचेगा वो थर्ड ग्रुप अपना बन जाएगा तो ये सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जो आता है जो ये चीज है ये होगी इसके बराबर फिर ये हो जाएगा एन प्लस पी अपॉन और एन के बराबर तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को ऐसा कुछ मिल जाएगा अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पेयर इक्वल हो गया तो कुछ केसेस रिपीट होने लग जाते हैं और उसे हम आगे टैकल करेंगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हम वो चीज समझेंगे इनफैक्ट एग्जाम्पल के थ्रू उसका फील भी लेंगे तो यहाँ पे नंबर जो है एम एन पी मतलब किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स जो है आइटम्स तो डिफरेंट ही रहेंगे हमेशा थिंग्स तो डिफरेंट ही है, है एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे करने वाले हैं ग्रुपिंग का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है क्वेश्चन में तो एज ऑफ नाउ आप इसको पॉइंट पहले आप थ्योरी समझ लियो इसकी थ्योरी कैसे होता है सेकेंड है इफ देर आर एम प्लस एन प्लस पी डिफरेंट थिंग्स सेम एम एन पी जो है वो

फर्स्ट हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो जब भी आ, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो और अंडर सम कंस्ट्रेंट की हमको तो तीन इस तरीके के पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले हम ग्रुप्स बना देते हैं हम तीन पैकेट बना देते हैं तो इतने तरीके से तीन ग्रुप्स या तीन पैकेट बन सकते हैं आप ऐसा समझ लो कि अपने पास तीन पॉलिथिन अपने पास तीन पॉलिथिन ब्लैक कलर की आइडेंटिकल पॉलिथिन है तो हमने जब ये ग्रुपिंग की थी तो अपने पास तीन डिवीजन या तीन ग्रुप्स बन गए थे तो आइडेंटिकल पॉलिथिन थी आप इस पहले वाले ग्रुप के जितने भी आइटम थे उसको पहले पॉलीथिन में भर दो दूसरे वाले ग्रुप में जितने भी आइटम आइटम थे थे उसको उसको दूसरे वाले वाले पॉलीथिन पॉलीथिन में में भर भर दो दो और तीसरे ग्रुप के जितने भी तीन 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 तो अपने पास जितनेट्स तैयार हो गए हैं ब्लैक कलर के पॉलिथिन पैकेट तैयार हो गए हैं अब हम क्या करेंगे बस अब हम उन तीन पॉलिथिन को तीन लोगों में थ्री फैक्टोरियल से बांट देंगे तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मड ग्रुप्स ग्रुप्स तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमेशा थ्री फैक्टोरियल से ही होगा क्यों क्योंकि वो पहली पॉलिथिन या पहले बैग के पास तीन ऑप्शन है और दूसरे वाले पॉलिथिन के पास दो ऑप्शन हो जाएंगे और आखिरी वाले पॉलिथिन के पास एक ऑप्शन अब अब यह मत बोलना कि सर आइडेंटिकल तो हैं पॉलिथीन तो ऐसे बांट क्यों ना बटेंगे तो एक तरीके से बेटा पॉलिथिन बाहर से देखने में आइडेंटिकल है पर उसके अंदर जो आइटम भरा हुआ है वो तो अलग अलग है ना बिकॉज चीजें तो डिफरेंट ही है तो एक में एप्पल मैंगो हो जाएगा एक में बनाना ऑरेंज होंगे तो ऐसे अलग अलग आइटम उसके अंदर सो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में मेजर फर्क क्या है फर्स्ट पॉइंट आपको सिखाता है डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये लैंग्वेज भी यूज होती है मैं इसलिए ये लैंग्वेज भी क्लियर कर रहा हूं दिस इज बेसिकली डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स तो ये अपना स्टैंडर्ड ग्रुप थ्योरी है और सेकेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करने के लिए हम ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं तो जो मैंने लिखा ना तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स आइडेंटिकल बॉक्सेस तो वो फर्स्ट पॉइंट के लिए वैलिड है डिफरेंट चीजें हैं हैं बॉक्सेस आइडेंटिकल मतलब हमने पे पे ना कहीं एक्स्ट्रा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं किया है या हम किसी ने हमने किसी को बांटा नहीं है जो भी अगर सपोज आप ऐसा तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस ले लो तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस में अगर इन तीन ग्रुप्स को डालना है तो तरीका एक ही होगा इंटू वन

जब ये नंबर्स जो है एम एन पी ये अगर आपस में इक्वल होने लग जाएंगे तो क्या पंगा होगा तो दैट इज अवर थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट तो थर्ड पॉइंट में अब हम क्या करते हैं हम ये ले लेते हैं कि सपोज एन और पी इक्वल है सो इफ देर आर एम प्लस एन प्लस एन थिंग्स डिफरेंट थिंग्स वेयर एम एंड एन आर नॉट इक्वल हमने पी हटा के एन लिख दिया सीधे देन थ्री ग्रुप्स कंटेनिंग थिंग्स कैन बी फॉर्मड इन अब अपना क्लासिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि टोटल जितने भी आइटम है उनके फैक्टोरियल ऊपर ले लो और नीचे इंडिविजुअल ले, तो ले, ले, ले रहे हैं अब होता क्या है ऐसा करने से ये जो एन और एन ये सेम नंबर होने की वजह से केसेस दो दो बार काउंट हो जाते हैं डबल डबल हो जाते हैं इनकी वजह से एक हमें टू फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ता है फॉर द रिपीटेशन ये क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे आगे तो आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगा अगर मैं जनरल फॉर्म में समझाऊंगा तो शायद आप इतने अच्छे से फील नहीं कर पाए तो अभी of, हम अभी एज ऑफ हम इमीडिएटली 10-15 सेकंड में ले लेंगे एग्जाम्पल बट एज ऑफ ना आप ये समझ लीजिए कि रिपिटेशन की वजह से हम रिपिटेशन उन केसेस को हटाने के लिए हम टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं अब अगर तीन बार इक्वल अगर तीनों ही इक्वल हो जाते तो फिर थ्री फैक्टोरियल हो जाता है तो वो कैसे क्या करते हैं हम उस उसपे आगे बात करते हैं तो फिलहाल ये है डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिमिलरली अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब आप इस थ्योरी को ऐसा समझो पहले हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स करेंगे ये कैसे करेंगे जो हमने थर्ड पॉइंट में सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से एक बार वो तीनों ग्रुप्स बन गए ना वो डिस्ट्रीब्यूट हमेशा थ्री फैक्टोरियल से होंगे तो आप ये नंबर देख के टेंशन मत लेना कि सर ये एन और एन तो इक्वल है तो ये इक्वल है तो फिर इक्वल को हम कैसे थ्री फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट करें बेटा वो सिर्फ नंबर इक्वल है जब आप पॉलिथिन वाले जो मैंने बात कही थी कि पहले एम लोगों का ग्रुप बन गया तो वो चीजों का पहले पॉलिथिन में डाल दो एन लोगों का जो ग्रुप बन गया उसको सेकंड पॉलिथिन में डालो और फिर एन लोगों का जो तीसरा ग्रुप बनेगा उसको पॉलिथिन में डालो तो आपको ये पॉलिथिन जो है ये जो सेकंड और थर्ड वाली है जिसमें एन और एन आइटम है ये पॉलिथिन आपको आइडेंटिकल लग रही है पर आप ये सोचो कि उसमें नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल है अंदर आइटम तो अलग अलग है ना चीजें तो डिफरेंट ही रहने वाली है वन एपल, वन एप्पल वन बांटोगे वन तो बांटना तो हमको तो 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 थ्री फैक्टोरियल से पड़ेगा क्योंकि चीजें हमेशा अलग रहने वाली है तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया हमने ग्रुपिंग की सेकंड में ग्रुप बना के बांट दिए थ्री फैक्टोरियल से

थ्री ग्रुप्स one, one हमारे पास चार हैं उनका नाम है ए बी सी और डी हमें grouping करनी, हमें तीन ग्रुप्स बनाने हैं तीन पैकेट बनाने हैं ताकि पैकेट एक पैकेट में दो आइटम हो और बाकी के एक पैकेट में एक एक आइटम हो ठीक है तो आ, ऐसा समझ लो कि मैं तीन पॉलिथिन तीन ब्लैक कलर की आइडेंटिकल पॉलिथिन में इन आइटम्स को भरना चाहता हूँ डिफरेंट थिंग्स इन आइडेंटिकल बॉक्सेस का खेल खेलना चाहते हैं हम ग्रुप थ्योरी खेलना चाहते हैं सो so, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई इन इन सबका समू प्लस तो ये फोर फैक्टोरियल और ये टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल तो इससे आंसर आता है ट्वेल्व ठीक है और अगर मैं ये ये मेरा क्या है ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा ये अपना फर्स्ट पॉइंट अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाता हूँ और अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ रिपीट होने की वजह से तो एक मुझे टू फैक्टोरियल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो उससे सिक्स आता है तो ये करेक्ट आंसर है ये गलत है क्यों अब समझते हैं क्या रिपीट हो रहा है तो सपोज हम लोग लेते हैं केसेस तो ए बी पहली हमको दो एक एक का ग्रुप बनाना है तो हमने ए बी को इकट्ठा ले लिया फिर एक हमने सी लिया फिर एक हमने डी लिया फिर ए बी को हमने इकट्ठा ले लिया फिर हमने डी लिया, लिया दूसरे में और सी लिया तीसरे में सिमिलरली मतलब हमने ए के साथ बी लिया सी और डी अलग अलग ए के साथ सी लिया बी और डी अलग अलग फिर ए के साथ डी लिया बी और सी अलग अलग फिर बी सी बी डी और सी डी जैसे वो आप टू एट अ टाइम लेते थे ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा में अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा तो ये जो मैंने केसेस लिखे हैं ना ये ट्वेल्व केसेस जो हैं, ये ट्वेल्व केसेस एक्चुअली निकल के आ रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से

मैं एक दूसरी पॉलिथिन में सी डाल रहा हूं और एक पॉलिथिन में डी डाल रहा हूं ठीक है अब पॉलिथिन आइडेंटिकल है तो ये मैटर नहीं करता कि कौन से वाले पॉलिथिन में ए बी जा रहा है कौन से वाले बॉक्स में सी जा रहा है कौन से वाले पॉलिथिन में डी जा रहा है आइडेंटिकल बॉक्सेस है तो ये केस में सुनने में कैसा लगेगा कि जो जो पॉलिथिन में दो आइटम है वो ए बी है दो वाले में ए बी है एक वाले पॉलिथिन में सी है और एक वाले पॉलिथिन में डी है ठीक है तो ये केस भी तो सुनने में वैसा ही लगेगा ना कि जो पॉलिथिन में दो आइटम है ना वो पॉलिथिन ए बी है और एक पॉलिथिन जो एक आइटम वाली पॉलिथिन है उसमें डी है और एक पॉलिथिन एक आइटम वाली पॉलिथिन में जो है वो डी है डी है और सी है तो बात तो सेम ही हो गई आप समझो कि मैंने ब्लैक पॉलिथिन में ए बी डाला ब्लैक पॉलिथिन में सी डाला ब्लैक पॉलिथिन में डी डाला और तीनों पॉलिथिन को मैंने टाए करके बढ़िया से कंधे पे टंगाया और मैं घर को चला गया ठीक है और फिर एक बार मैं जब सेकंड केस कर रहा था तो मैंने एक पॉलिथिन में ए भी डाला एक पॉलिथिन में डी डाला एक पॉलिथिन में सी डाला और फिर मैं तीनों को बांध के कंधे पे लगा के घर चला गया दोनों ही केसेस में घर जाके जब मैं पॉलिथिन में से आइटम बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या लगेगा या मैं घर जाके किसी को दूंगा लेट से मैं घर जाके अः अपनी छोटी बेटी को देता हूँ बेटा ये लो सामान निकाल के फ्रिज में रखो तो मेरी बेटी को क्या नजर आएगा कि इस पॉलिथिन में से ए बी निकला है मतलब एक पॉलिथिन में से ए बी निकला एक पॉलिथिन में से सी निकला एक पॉलिथिन में से डी निकला तो इसमें भी तो वही नजर आएगा उसको कि एक पॉलिथिन में से ए बी निकला एक पॉलिथिन में से डी निकला और एक पॉलिथिन में से सी निकला क्योंकि जो बॉक्सेस हैं वो आइडेंटिकल हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेकेंड नंबर वाले में सी है थर्ड नंबर वाले में डी है और इसमें सेकेंड वाले में डी और थर्ड वाले में सी है सेकेंड वाला थर्ड वाला बॉक्स का कोई नंबर नहीं है क्योंकि बॉक्सेज आइडेंटिकल है तो इस वजह से क्या होता है ये दोनों केसेस दो बार हम काउंट कर ले रहे हैं जो कि एक्चुअली सेम ही है एग्जैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट फॉर दीस टू केसेस एग्जैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट फॉर दीस तो ये जो मैंने पेयर बना के रखे हैं ये एक्चुअली एक एक बार ही काउंट होंगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इसीलिए आंसर सिक्स आएगा अब इसी में सपोज मैं पांच आइटम ले लेता सपोज पांच आइटम ले लेता और आपको ग्रुप बोलता मैं बनाऊ टू वन 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 टू वन 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 तो क्या होता एक वाले में ए बी फिर सी डी ई डी सी ई उसके बाद फिर ई सी डी ई डी सी इस टाइप से केसेस बनते और क्या बनता ई थर्ड पे हाँ बीच में ई e, फिर यहाँ पे सी यहाँ पे डी यहाँ पे डी यहाँ पे सी मतलब उसमें छह केसेस जो होते हैं वो छह बार काउंट हो रहे होते हैं बट वो सिंगल केस ही होता कौन सा सिंगल केस दो वाले में ए बी एक वाले में सी एक वाले में डी एक वाले में ई e. तो उसमें पहला फॉर्मूला क्या बोलता

डिवाइड कर देते हैं इस बात को हम आगे अच्छे से और क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे बट ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बस कंस्ट्रक्ट किया है आपको ये फील के लिए व्हाई रिपीटेशन इज हैपनिंग बिकॉज वी आर ओनली डूइंग डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ग्रुप्स मतलब डिफरेंट थिंग्स को हम आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिवाइड कर रहे हैं हाँ अगर बॉक्सेस डिफरेंट होते तब तो कहानी ही कुछ और होती बट यहाँ पे डिविजन जो हो रहा है वो डिविजन uh, का मतलब ही है कि हम सिर्फ उसको

ए टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन जैक क्वीन एंड किंगे क्यू के तो ये होता है एक स्पेड्स का फिर एक हो जाएगा आपका डायमंड एक हो जाता है आपका क्लब का और कौन सा बच गया स्पेर्ड हो गया डायमंड हो गया क्लब हो गया और आ, क्या बोलते हैं हिंदीपन ईड चिड़ी कालापान और लालपन हार्ट है ना तो हार्ट तो ऐसे तेरा तेरह पत्ते होते हैं टोटल फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स होते हैं तो अगर मुझे 52 प्लेइंग कार्ड्स की ग्रुपिंग करनी तो मैं कैसे करूंगा मैं पहले अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम स्टार्ट हमेशा ऐसे करेंगे टोटल 52 फिफ्टी हाँ टू चाहिए आपको ग्रुप में एक सत्रह का ग्रुप चाहिए एक और सत्रह का ग्रुप चाहिए एक और सत्रह का ग्रुप चाहिए, चाहिए एक और वन का ग्रुप चाहिए तो पहले आप ये लिख लिया करो मैं हमेशा ऐसे सोल्व करता हूँ और देख लिया करो सबका टोटल सेवनटीन प्लस सेवनटीन प्लस सेवनटीन प्लस वन इन सबका सम जो है वो ऊपर होना चाहिए फिफ्टी करेक्ट अब इसमें कुछ रिपीटेशन हो रहा होगा तो वो रिपीटेशन क्या हो रहा होगा बिकॉज ये 17 जो है बिकॉज ये जो 17 नंबर है ये तीन बार आया है तो इनकी वजह से थ्री फैक्टोरियल टाइम्स हर केस थ्री फैक्टोरियल टाइम्स काउंट हो रहा होगा डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल छह छह थ्री उनकी वजह से आप उतने फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया करो तो फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे हम फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से नजर आएगा इसकी वजह से जो भी रिपिटेशन हो रहे हैं वो डिवाइड कर लेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है जब आप ये लिख रहे हो ना तो ये जो नंबर निकल के आ रहा है इसमें

तो इसमें लैंग्वेज में पिछले लैंग्वेज में क्या फर्क है ये डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे पहले हम ग्रुप बना लेंगे पैकेट बना लेंगे चार 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 तो ये हमने पैकेट बना लिए पिछले वाले आंसर का है बस उन पैकेट्स को चार लोगों में से बांट दो अब ये मत कंफ्यूज करना कि सर ये 17 तो आइडेंटिकल है इसको फोर फैक्टोरियल से थोड़ी ना बटेगा ये तो कुछ रिपीटेशन तो बेटा वो 17 सिर्फ नंबर है ओके उस पैकेट में जो कार्ड होंगे तो यहाँ पे ईट की दुक्की होगी चिड़ी की तिग्गी होगी जो पहले पैकेट में तो दूसरे पैकेट में जो सत्रह आइटम है कार्ड्स विल बी डिफरेंट सेवेंटीन इज जस्ट अ नंबर ओके द आइटम्स इन साइड सो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमेशा फोर फैक्टोरियल से ही होगा सो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में आप ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कौन कौन भाई साहब जो है बार बार सेम नंबर आ रहे हैं तो उसकी वजह से उतने फैक्टोरियल आप डिवाइड करना पहला पॉइंट ये आप ध्यान में रखना और दूसरा पॉइंट जब आपको लोगों में बांटना हो ना आप तो पहले ग्रुप बना लेना पहले पैकेट बना लेना और फिर बिंदास आप उसको बांट दो बिना बिना टेंशन टेंशन के के तो के आप बांट रहे हो कभी कभी क्वेश्चन आपको टेंशन दे सकता है वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको लैंग्वेज समझनी होती है नाउ नेक्स्ट प्रोफाइल फाइंड द नंबर ऑफ विस इन विच फिफ्टी टू प्लेंग कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर पीपल देखो लैंग्वेज सेम चल रही है अब तक सच दैट थ्री रिसीव सेवेंटीन कार्ड्स ईच

अब इसने बोला है ना वन पर्टिकुलर पर्सन रिसीव्स वन कार्ड तो लाइट से चार लोग खेल रहे हैं राम श्याम फिर राजू और बाबू भैया चार लोग पत्ते खेल रहे हैं तो वन पर्टिकुलर पर्टिकुलर का मतलब अपने को फोर सीवन से सिलेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन ने दे रखा है पर्टिकुलर पर्सन मतलब बाबू भैया है ना तो क्वेश्चन बोलता है कि भाई बाबू भैया को तो एक कार्ड ही मिलना चाहिए तो हम क्या करेंगे जो अपन ने ये एक वाला ग्रुप बनाया है

फैक्टोरियल से हमने बांट दिया अब इसमें मैं थोड़े से एक दो प्रोफाइल और ले लेता हूँ इसी क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं सपोज यही लैंग्वेज अब मैं अगर बोलता यहां पे पर्टिकुलर पर्सन में हटा देता ठीक है और मैं ऐसा बोलता कि सच दैट थ्री पर्टिकुलर पर्सन रिसीव सेवेंटीन कार्ड इच

जो तीन पर्टिकुलर पर्सन को सत्रह सत्रह के कार्ड मिलने वाले हैं उनको छोड़ के जो चौथा पर्सन होगा उसको तो एक ही मिलेगा तो बात तो वही होगी ना लैंग्वेज अलग है बट आंसर सेम यही आएगा तो आप सत्रह वाले तीन फैक्टोरियल से इनको बांट दोगे और एक वाले को एक पकड़ा दोगे अब और क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है सपोज ऐसा लैंग्वेज बन सकती है कि हाँ वन पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट रिसीव

Uh, ऐसा कुछ अब लैंग्वेज मेरे से शायद बन नहीं रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ ऐसी टाइप की लैंग्वेज हो अगर जिसमें लिखाओ हो कि 52 प्लेइंग कार्ड्स कैन थ्री पीपल रिसीव वन कार्ड एंड अमंग थ्री प्लेयर आर रिसीविंग सेवनटीन कार्ड वन पर्टिकुलर पर्सन शुड ऑलवेज रिसीव सेवनटीन कार्ड मतलब राम श्याम घनश्याम और बाबू भैया में एक पर्टिकुलर पर्सन जो है डेढ़ से बाबू भैया ले लेते हैं उसको हमेशा सत्रह कार्ड मिलने चाहिए ऐसा कुछ लैंग्वेज है सपोज कि थ्री कार्ड एंड एंड पर्सन पर्सन रिसीव रिसीव कार्ड कार्ड वन पर्टिकुलर ऑलवेज तब आप क्या करते हैं? तब आप बोलते सर ग्रुपिंग तो इतने तरीके से होगी अब जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो हम सीधे फोर फैक्टोरियल तो कर नहीं सकते क्योंकि क्या इसको एक वाला मिल जाएगा तो काम खराब हो जाएगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने पास 17 के तीन पैकेट्स हैं 17, 17 वाले तीन पैकेट्स हैं तो हम क्या करेंगे हम 3C1 से एक पैकेट उठा लेंगे वो 17 वाला और इसको पकड़ा देंगे बाबू भैया को तो 3C1 तरीके से हमने पैकेट उठाया एक तरीके से बाबू भैया को दे दिया ठीक है अब अपने हाथ में क्या बचा सेवनटीन का एक पैकेट सेवनटीन का एक पैकेट और वन वाला एक पैकेट तो अब ये तीन पैकेट को हम इन तीन लोगों में बिंदास थ्री फैक्टोरियल से बांट देंगे तो उस केस में अपना आंसर क्या हो जाएगा ये ग्रुपिंग ये जो हमने ग्रुपिंग की है ये ग्रुपिंग कर लेंगे हम और उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो दो बातें जो डिस्कशन से निकल के आई हैं वो ये है हम लोग उसको फॉर्मली एक बार देख लेते हैं कि नोट फर्स्ट पॉइंट वाइल्ड फॉर्मिंग ग्रुप्स या फिर डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी आप ग्रुप्स बना रहे हो पैकेट बना रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को सो वन एज टू डिवाइड डि एज मेनी फैक्टोरिय

तो एन पीपल में हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एन फैक्टोरियल से ही होगा ए ऑफ ऑफ नंबर आइटम्स इन द इरिस्पेक्टिव एन बता रहा हूँ कंफ्यूजन होता है सपोज दस चीजें हैं हमारे पास और हमें इसमें से क्या करना है फाइव टू टू या ऐसा कर है लेते हैं कि फोर टू 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 तो इस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी है और चार लोगों में बांटना है तो आप ग्रुपिंग कैसे करते हैं

सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि वो हमेशा चार फैक्टोरियल से ही बांटा जाएगा आप ये देख के कंफ्यूज मत होना कि सर ये two, two, two तो तो सेम है 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 वगैरह कुछ नहीं तो बेटा क्योंकि वो है सरिफ। सरिफ वो है वो नंबर नंबर सिर्फ सिर्फ जो आपको इक्वल लग रहा है बट वो उसके अंदर जो आइटम है वो थोड़ी ना आइडेंटिकल है मतलब इस पैकेट के अंदर जो दो थिंग्स रही होंगी और इस पैकेट के अंदर जो दो थिंग्स रही होंगी वो आपस में डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है वाइल्ड फॉर्मिंग ग्रुप्स

आ रहा है इसकी वजह से ये 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 हम करते हैं ये क्या हुआ है ये division of objects है ये grouping है है हमें बता रहा है कि हमने डिफरेंट चीजों को आइडेंटिकल बॉक्सेस में बांट दिया है तो ये डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट है फर्दर नंबर ऑफ वेस इन विच थर्टी बी डेप्यूटेड इक्वली ऑन थ्री बॉर्डर तो यहाँ पे तीन बॉर्डर्स है सपोज एक ईस्ट बॉर्डर है एक वेस्ट बॉर्डर है और एक नॉर्थ बॉर्डर है तो तीन जगह पे इनको भेजने के डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके क्या होंगे सो वट विज फर्स्ट फ्रॉम द ग्रुप जो हमने ऊपर सीखा अभी और फिर इनको हम थ्री फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये था डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मल्टी जो है एक्साम्पल देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो नंबर ऑफ वेस्ट इन विच टू हंड्रेड पीपल कैन बी डिवाइडेड इन टू हंड्रेड कपल्स या फिर इसको बोल सकते हैं हम हंड्रेड इक्वल ग्रुप्स तो ऐसे कितने तरीके होंगे सो so आप कॉमन सेंस से एक बार ट्राई कीजिए और सोचिए कि अगर 200 सौ पीपल में से हमें 100 कपल बनाना है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हंड्रेड ग्रुप्स की वेयर ईच ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ टू पीपल हमें दो लोगों में से हंड्रेड ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें से हर ग्रुप में दो दो लोग होने चाहिए तो यहाँ पे डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है

फैक्टोरियल का नॉलेज है कि इसको घुमा फिरा से कैसे लिखा जा सकता तो तो मतलब है जाएगा 200 तक तो ये जो 100 फैक्टोरियल है ये 100 फैक्टोरियल ये सारे टर्म्स को कैंसिल आउट कर देगा एंड ईच टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल का मतलब वैल्यू होता है टू तो वो जो 2 फैक्टोरियल 100 बार है वो हम एक-एक बार देंगे सब में सबके नीचे एक-एक ऐसे -एक सजा के लिख सकते हैं तो सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट बेसिकली ए ऑप्शन को ही थोड़ा सा रीअरेंज करके सी ऑप्शन लिखा हुआ है अब डी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन भी एक्चुअली सेम ही है बस ये नजरिए की बात है कि आप कैसे उसको रीड कर पा रहे हो ठीक है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग ए ऑप्शन से डी ऑप्शन तक अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं तो ये हमने ले लिया 200 फैक्टोरियल जैसा कि ऑप्शन में था अब इसमें से आप टू फोर सिक्स जो इवन वाली टर्म्स हैं, उनको अलग से रीड करो ऑड वाली टर्म्स जो है उनको अलग से रीड करो तो देखो क्या होगा जो इवन वाली टर्म्स हैं, उनमें से एक एक टू कॉमन निकाला जा सकता है ये लिखा है टू टाइम्स ऑफ वन ये लिखा है टू टाइम्स ऑफ टू ये लिखा सिक्स को हम रीड करेंगे टू टाइम्स ऑफ थ्री एंड सो ऑन तो जो 200 होगा फाइनली वो होगा टू टाइम्स ऑफ 100 सो so, जो इवन वाले टर्म्स है वो 100 टर्म्स होंगे दो चार छ आठ दस अप टू हंड्रेड तो उसमें से एक एक टू बाहर आ जाएगा तो टू की पावर हंड्रेड ये कैंसिल हो गया ठीक है अब जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी वन टू थ्री फोर फाइव टू हंड्रेड तो दैट इज हंड्रेड फैक्टोरियल सो दिस मींस ये हंड्रेड फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया मतलब टू हंड्रेड फैक्टोरियल में जो ये इवन वाले टर्म्स हैं थिंग बट इक्वल टू द डिनोमिनेटर 2 की पावर हंड्रेड मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल तो वो सब कैंसिल आउट होकर बचेंगे सिर्फ ऑर्ड वाले टर्म्स जो कि आपका डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सो फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी ए ऑप्शन सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं सवाल लेट अस लुक एट सम मोर प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एट डिफरेंट चॉकलेट्स

तो डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट बॉक्सेस का सवाल है तो ग्रुपिंग से कैसे करेंगे तो ये टाइप के सवाल भी ग्रुपिंग से होते हैं डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट बॉक्सेस भी ग्रुपिंग से किया जाता है अगर पर्टिकुलर कंस्टेंट्स हो कुछ कुछ कंस्टेंट्स हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि हर लोग को कुछ कुछ लोगों को इतने कुछ लोगों को इतने मिलने चाहिए तो आप केसेस बना के सोचना इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम पहले डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेते हैं पहले हम ग्रुप बना लेते हैं एंड वंस द ग्रुप आर फॉर्मड

तो अपना एक केस जो रहेगा आप हमेशा एक्सट्रीम से चालू करना कोशिश करना कि आप सारे चॉकलेट एक ही बच्चे को दे दो तो फिर वहां से देखना एट जीरो जीरो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर नहीं सकता सेवन वन जीरो सिक्स वन वन सिक्स टू जीरो नहीं कर सकता मैं पर मैं स्टार्ट करना सिखा रहा हूं आपको सोचना सिखा रहा हूं क्यों क्योंकि सब कम से कम ज्यादा से ज्यादा चार ही मिल सकते हैं so, सो हम क्या करेंगे आठ में से हमने चार चॉकलेट दे दी एक बच्चे को चार चॉकलेट दे दी दूसरे बच्चे को तीसरे को कुछ नहीं मिला अब यहाँ पे वन का भी केस केस है तो इसीलिए मेरा स्टार्टिंग केस क्या होगा भाई एक तू भी ले ले तो फोर थ्री वन से मैं स्टार्ट करूंगा ये सब हम बाद में देखेंगे पहले कन्फिग्रेशन समझ लेते हैं कैसे सोचा जाता है ठीक है तो फोर थ्री वन अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले बच्चे को फोर दे दो दूसरे बच्चे को थ्री दे दो तीसरे बच्चे को वन दे दो

फिर नेक्स्ट क्या सोचेंगे हम लोग चलिए सर एक काम करते हैं इसमें से एक कम करके ना इसको पकड़ा देते हैं तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी फोर टू टू फिर आप सोचना कि सर इसको भी एक कम कर देते हैं और फिर इसको पकड़ा देते हैं फोर वन थ्री तो अब फोर थ्री वन और फोर वन थ्री एक्चुअली सेम ही है मतलब कंफिग्रेशन तो सेम ही है ना अब आप बोलेंगे सर दूसरे बच्चे को थ्री है तीसरे बच्चे को वन है दूसरे को वन और तीसरे को थ्री है तो ये अलग बात है तो नहीं भाई अलग बात नहीं है अभी हमने बच्चों को बांटा नहीं है अभी हम लोग सिर्फ अपने दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं कि हम किस किस तरीके से कंफिग्रेशन है किस किस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं ग्रुप आर आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है सिर्फ डिवीजन हो रहा है तो जो आपके दिमाग में डाउट है सर ये दो केसेस वो आगे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना थ्री फैक्टोरियल से तो उसमें कवर हो जाएगा तो ये पहली बार हम मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ बार बार मैं चीज फिर कवर नहीं करूंगा तो फोर वन थ्री ले चुके तो अब हम फिर फिर से हाँ पे आ जाते हैं फिर सर एक काम करते हैं आपने इसमें से एक निकाल के इसको दिया ना तो अब आप इसमें से एक कम करके इसको दे दो तो अब अगला केस क्या होगा थ्री थ्री टू अब आपके दिमाग में कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर इसमें से एक निकाल के इसको दे दे दें तो, तो वो जाएगा थ्री फोर वन तो वो तो ओरिजिनल फोर थ्री वन थ्री फोर वन सेम ही हो गया कन्फिग्रेशन ढूंढो सोचो क्या क्या टाइप के कंफिगुरेशन बन सकते हैं तो आई डोंट थिंक इससे अलावा आप और कुछ सोच सकते हो तो ये लास्ट कन्फिग्रेशन है तीन ही पॉसिबिलिटीज है अब तीनों को सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली ठीक है तो ये तीन कन्फिग्रेशन जो मैं बात कर रहा था तो इस टाइप की अगर ग्रुपिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल अच्छी बात है कि फोर थ्री वन तीनों अलग अलग नंबर है तो कोई केस रिपीट नहीं हो रहा होगा तो ये क्या हुआ है ये ग्रुपिंग हुई है ये ग्रुप्स बनाए गए हैं एक बार ये ग्रुप बना दिया ना आपने उसके बाद आप थ्री फैक्टोरियल से उन बनाए हुए ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये क्या हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ठीक तो है है तो लैंग्वेज समझना ये हुआ और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा तो फर्स्ट वी डिवाइड द ऑब्जेक्ट एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट द फॉर्मड ग्रुप्स तो ये पहला केस ऐसे सॉल्व होगा दूसरे केस में बस फर्क क्या हो जाएगा कि आप ये ग्रुप बनाने की कोशिश करोगे अब क्योंकि ये टू और टू इक्वल नंबर्स हैं तो आप जानते हैं कि जितने इक्वल साइज ग्रुप्स हैं उतने फैक्टोरियल आपको डिवाइड करने पड़ेंगे जितने इक्वल साइज के ग्रुप्स हैं उतने आपको फैक्टोरियल डिवाइड करने पड़ेंगे सपोज अगर होता है टू 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 तीन बार टू आता तो मैं थ्री फैक्टोरियल डिवाइड करता चार बार टू आता तो मैं चार फैक्टोरियल डिवाइड करता यही अपना नोट में फर्स्ट पॉइंट था तो ये उसकी वजह से हमने एक एक्स्ट्रा टू फैक्टोरियल डिवाइड किया ये हो गया अपना डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स

एडवाइस uh, दैट आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक करके ये क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा लैंग्वेज में फसाने के लिए क्या क्या बन सकती है बातें वो सब डिस्कस करना चाहता हूं मैं तो फर्स्ट है एट कंप्यूटर्स अगर आप ट्राई कर चुके हैं हैं खुद से फिर हम डिस्कस करते हैं आगे तो एट कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट मेक मतलब डिफरेंट कंपनीज के आठ कंप्यूटर्स हैं इनको हमें ना पांच स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच स्कूल गेट्स एटलीस्ट वन कंप्यूटर so eight different things in five different boxes empty boxes are not allowed main ye language isliye bol raha hu kyunki is type ke is question bahut frequently puche jate hain itj advance mein eight different things in five different boxes such that empty boxes are not allowed matlab हर school को कम से कम एक computer तो मिलना चाहिए Empty नहीं होना चाहिए खाली हाथ कोई नहीं जाना चाहिए तो आप सोचो किस किस type की grouping हो सकती है तो पांच स्कूल है तो एक दो तीन चार पांच हम लोग एक्सट्रीम से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग फोर देखो क्या है ना मैं तो ऐसे सोचता हूं पर्सनली वन 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 बचे कितने टोटल आठ थे उसमें से चार वन 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 है क्योंकि सबको एक एक चाहिए बचे हुए सब कुछ एक साथ तो ये मेरा थिंकिंग है एक्सट्रीम केस से स्टार्ट करना सबको एक एक और फिर बचे हुए को मैक्सिमम तो एक हो सकते हैं। अब यहां से एक कम करके इसको अब आप सोचेंगे सर इसमें से एक कम करके इसको दे देते हैं तो है? है? केस दे तो यही बनेगा ना थ्री वन टू वन वन रिमेम्बर अभी हम डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं हम लोग अभी सिर्फ ग्रुप बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट बाद में अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा पांच

अच्छा ऐसा इसका एक निकाल के इसको दे तो टू थ्री वन 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 तो ये तो सेम केस ही जाएगा टू 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 वन वन उसके बाद आप इसका एक निकाल के इसको दो यही केस बन जाएगा या फिर इसका एक निकाल के इसको दो इसको दो आप खेलना इसके साथ आप खेल के देखो खुद और समझो एक्चुअली आप कितना भी तकड़म यही तीन केस बन रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा होगा हर स्कूल को एक मिलना चाहिए और अगर आप डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि तरीके कितने होंगे तो एक एक करके देख लेते हैं जैसे फोर वन 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 इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल क्योंकि ये वन चार बार आया है इसकी वजह से हम एक और फोर फैक्टोरियल दे और एक बार ये पांच ग्रुप बन गए इनको पांच स्कूल्स में हम लोग पांच फैक्टोरियल से बांट देंगे तो ये केस वन का आंसर जो भी वैल्यू निकल के आती है आप सॉल्व कर लेना ये केस वन का आंसर ठीक है अब केस टू में क्या है केस टू में हम लोग ले रहे हैं किस टाइप का कंफिग्रेशन हम ले रहे हैं थ्री टू वन 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 तो इसको कैसे करेंगे फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्योंकि ये वन तीन बार आया है इसकी वजह से हम थ्री फैक्टोरियल चिपकाएंगे ये हो गया है डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट फाइव फैक्टोरियल से ही होगा ये सेकेंड केस जो भी इसका आंसर आता है नंबर आता है आप निकाल के कैलकुलेट कर लो वो आपका सेकंड केस का आंसर होगा और तीसरा केस का क्या बैठता है मामला टू 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 वन वन तो ये हो जाएगा एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहले लिख लो ठीक है बेसिक्स आप ऐसे स्टार्ट करना पहले आप लिख लो फिर देखो कौन कौन कितनी बार आ रहा है तो ये तीन इक्वल साइज ग्रुप्स है तो इनकी वजह से एक थ्री फैक्टोरियल आएगा और ये भी इक्वल साइज ग्रुप्स हैं वन और वन तो इनकी वजह से ये टू फैक्टोरियल आएगा क्योंकि ये तीन बार रिपीट हो रहा था इसलिए थ्री फैक्टोरियल ये दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए टू फैक्टोरियल डिवाइड में ये है डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट और एक बार डिवाइड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन तो पांच लोगों में पांच फैक्टोरियल से होगा सो दिस इज द आंसर ऑफ केस जो भी आंसर निकल के आता है आप निकाल लीजिए एंड फुल एंड फाइनल आंसर विल बी द सम ऑफ ऑल द थ्री केसेस केस वन से जो भी नंबर आया है केस टू से जो भी नंबर आया है केस थ्री से जो भी नंबर आया है उनको आप एडअप कर लेंगे सो इन दिस वे

45 लोगों के तीन ग्रुप्स बनाने हैं 20, 15 और 10 और इनको तीन डिस्ट्रिक्ट्स में भेजना है तो कितने तरीके से ऐसा किया जा सकता है तो देखिए इतना 20, 15, 10 ये हो गई ग्रुपिंग डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर सब अलग अलग है कोई इक्वल नहीं है तो रिपिटेशन का भी पंगा नहीं है तो ये हो गया पैकेट ठीक है ग्रुप बन गए अब इन तीन ग्रुप्स को तीन डिस्ट्रिक्ट्स में भेजना है तीन डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग ले लेते हैं लेट से भोपाल या छोड़ एबीसी कर लेते हैं ठीक है तो लेट से आगरा ए फॉर आगरा बी फॉर भोपाल एंड सी फॉर ले लेते हैं हम लोग लेट से चेन्नई सो ड्यूरिंग इलेक्शन थ्री डिस्ट्रिक्ट आगरा भोपाल चेन्नई आर टू बी कॉन्वेस्ट बाई ट्वेंटी फिफ्टीन एंड टेन पीपल रेस्पेक्टिवली ये वर्ड समझे आप रेस्पेक्टिवली Respectively का मतलब मतलब है कि actually maximum आप में सबने ये दिया होगा आंसर डिस्ट्रीब्यूट मतलब कर, कर, कर दो है ना तो बेटा लैंग्वेज पकड़ो थ्री फैक्ट्रियों से डिस्ट्रीब्यूट वो नहीं होगा क्यों कि यहाँ पे छोटा सा कैच है रिस्पेक्टिवली इसका मतलब ड्यूरिंग इलेक्शन थ्री डिस्ट्रिक्ट आगरा भोपाल चेन्नई

मतलब ए बी की एक बार टीम बनाएंगे उसको ई एफ के साथ मैच करवा देंगे एक बार ए सी की एक टीम बनाएंगे बी डी के साथ एक मैच करा देंगे उसका एक बार ए एफ की टीम बनाएंगे उसका सीई e के साथ मैच करवा देंगे तो फंडा ये है कि सबसे पहले हमें एक्चुअली ये देखना पड़ेगा अब यहाँ पे आप सिक्स सी टू नहीं लिख सकते क्योंकि सिक्स सी टू में से आप पहले दो लोग सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर बचे हुए दो लोग उनका क्या करेंगे फोर सील टू है ना तो हम लोग पहले ऐसा सोचेंगे जो लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए आपकी इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि सर आप मैच करवा रहे हो तो मैच करवाने के लिए दो टीम होती है अपने पास ठीक है में दो लोग होते हैं टीम टू में दो लोग होते हैं तो क्यों ना हम एक काम करें सबसे इनफैक्ट हाँ एवरी प्लेयर है ना तो हमें क्या करना है हमें पहले सबसे पहले ये काम करना है कि हम पेयरिंग करवा देते हैं सो so, हम दो दो के ग्रुप बना देंगे कैसे और कितने तरीके से बन सकते हैं वो सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल और क्योंकि ये तीन बार आया इसकी वजह से थ्री फैक्टोरियल तो मैंने क्या किया बेसिकली इन छह लोगों को पहले मैंने तीन ग्रुप्स में बांट दिए दो 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 ठीक है अब एक बार ये ग्रुप्स में बढ़ गए तो इन तीन ग्रुप्स में से मैं कोई भी दो ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा थ्री से जैसे एक ए बी का ग्रुप बन गया और लेट सपोज एक सी डी का ग्रुप बन गया और एक ई एफ का ग्रुप बन गया तो अब इन तीन ग्रुप्स में से मैं कोई भी दो ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा मतलब इन दोनों का मैच करवा देंगे अपन या फिर इन का मैच करवा देंगे अपन या या फिर फिर इन इन दोनों दोनों का का मैच मैच करवा करवा देंगे देंगे तो जितने तरीके से ये ग्रुप बनाए जा सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय थ्री सी टू सिलेक्ट किए जा सकते हैं तो ये अपने हाथ में एक पूरा की पूरा दो दो लोगों का जोड़ी आ जाएगा और जितने तरीके से किया जा सकता है उतने अपने मैचेस होंगे तो फाइनल आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे वो

If, दो बातें इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन साइड द इज इमेरियल मतलब टैक्सी के अंदर कैसे बैठते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है और दूसरा टैक्सी के अंदर का अरेंजमेंट भी मैटर करता है तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन साइड द दे टैक्सीयल देखो इसमें क्या है इसमें आप टैक्सी को बॉक्स की तरह सोच लेना क्योंकि जब हम बॉक्स में चीजें डालते हैं जैसे मैं पहले बॉक्स में एबीसी डालता हूं तो मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि अंदर एबीसी लिखा है ए सी भी लिखा है बी ए सी लिखा है कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता इंटरनल अरेंजमेंट इन साइड द बॉक्स बॉक्स के अंदर क्या अरेंजमेंट है ये सब नहीं चलता है उसमें सीधे हम बॉक्स में पटक देते हैं तो इट इज जस्ट लाइक डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट बॉक्सेस जहां पे अपने को एक फिक्सड कन्फिगुरेशन लेके चलना है अब कन्फिग्रेशन आप कैसे सोचोगे आप खुद कॉमन सेंस से सोचो यार हर टैक्सी की कैपेसिटी है तीन पैसेंजर की तो अगर आठ लोग हैं पहली टैक्सी में हम तीन ही बिठा पाएंगे दूसरी टैक्सी में हम मतलब पहली दूसरी बोलना गलत हो जाएगा ऐसा बोलता हूं मैं एक टैक्सी में तीन लोग बैठेंगे एक टैक्सी में तीन लोग बैठेंगे और एक टैक्सी में दो लोग बैठेंगे इसके अलावा और कोई कन्फिग्रेशन बन ही नहीं सकता क्योंकि आप मिनिमम uh, तो दो uh, क्या कहते हैं मैक्सीम आप तीन तीन बिठा सकते हो टैक्सी में तो नाइन पीपल ठीक है अब पीपल एट ही अपने पास इसका मतलब सिंपल सा है कि दो टैक्सी में तीन लोग बैठे होंगे और किसी एक टैक्सी में एक सीट खाली रह गई होगी इसके अलावा और कोई कंफिग्रेशन पॉसिबल ही नहीं आप खुद सोचना लॉजिकली तो थ्री थ्री टू करके ही बिठाना है तो ग्रुपिंग कैसे हो जाएगी फैक्टोरियल अपॉन 3, 3, क्योंकि ये ये दो बार आया है तो इसकी वजह से वो वाला चीज हमने कर दी ग्रुपिंग और ग्रुपिंग करके हमने तीन टैक्सी में उन तीन पैकेट्स को तीन फैक्टोरियल से बांट दिया ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है व्हेन द इंटरनल अरेंजमेंट इनसाइड द टैक्सी इज ये बात समझो आप जब आप चीजों को बांटते हो

कि अपने पास नाइन चेयर्स हैं हाँ ये भी आप इमेजिन भी कर सकते हो भाई कुर्सी जो टैक्सी के अंदर होगी एक चेयर पड़ी है तो पहली चेयर का नाम है वन ए दूसरी चेयर का नाम है वन बी तीसरी चेयर का नाम है वन सी फिर चौथी चेयर का नाम है टू ए पांचवी चेयर का नाम है टू बी सिक्स चेयर का नाम है टू सी सेवेंथ चेयर का नाम है थ्री ए एट्थ चेयर का नाम है थ्री बी एंड नाइन्थ चेयर इज थ्री सी तो बेसिकली आप लिनियर अरेन्जमेंट की तरह ही सोच सकते हो ना कि देर आर नाइन डिफरेंट प्लेसेस क्योंकि नाम रख रहे हैं ना हम सबका वन ए वन बी वन सी टू ए टू बी टू सी थ्री ए नाइन डिफरेंट प्लेसेस एट पीपल जाएगी और बाकी बैठ जाएंगे वो तो उसका आंसर हम क्या रिपोर्ट करेंगे हम लोग नाइन में से कोई भी आठ चेयर सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे आठ लोगों को बिठाना है तो आठ लोगों को आठ चेयर पे बिठाने के आठ फैक्टोरियल तरीके सो आंसर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइन सी एट इन एट फैक्टोरियल तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ग्रुपिंग से सॉल्व होगा डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका सेकेंड पार्ट है वो आपका इससे नो ग्रुपिंग सिंपली आप जो लीनियर अरेंजमेंट सोल्व हो जाएगा अच्छा कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा सर फिर ग्रुपिंग में हम लोग करते क्या थे और जो चैप्टर चालू किया था पहले क्या चल रहा था देखो जब आप ग्रुपिंग करके बांट रहे हो ना तो जो बॉक्स के अंदर मतलब सोचो ऐसा सोचो कि टैक्सी नंबर वन के अंदर अगर जो आपके चेयर आपके जो टैक्सी के अंदर जो कुर्सियां लगी है अगर उनपे नंबर नहीं है मतलब बाहर से एक बंदा जो देख रहा होगा ऐसे समझो ब्लैक ब्लैक विंडोस वाली जो है वो है टैक्सी मतलब वो जो आती है ना एकदम अमीरों की रईसों की गाड़ियां कि बाहर से दिखता ही नहीं है कांच कांच के आर पार दिखता ही नहीं कि अंदर कौन बैठा है कैसे बैठा है तो वो वाली टैक्सी होती है ग्रुपिंग वाली उसमें आपने बस ये डिसाइड कर लिया है कि भाई

बस अपने को ये पता है कि इस टैक्सी में तीन लोग गए हैं और ये तीन लोग गए हैं ठीक है और सेकंड पार्ट आपको क्या बता रहे तो आगे नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम देख लेते हैं जो ग्रुपिंग पे पूछा जा सकता है तो इस टाइप का सवाल दोनों सेम ही टाइप के सवाल है दिस इज अंडर द कैटेगरी डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट बॉक्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको समझिएगा क्योंकि आई टीजे में ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट बॉक्सेस वेर एम बॉक्सेस आर नॉट अलाउड

हालांकि इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं पहले भी ठीक है अभी थोड़ी देर पहले हमने किए थे बट मैं इसको एज अ फॉर्मेट में एक प्रोफाइल बना के आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करवाना चाहता हूँ तो इस टाइप की लैंग्वेज जब भी आए एटलीस्ट वन बुक तो तो आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करना ग्रुपिंग से होता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अलग अलग टाइप के ग्रुपिंग सोचेंगे कि कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं देन वी विल सिंपली डिस्ट्रीब्यूट दो अभी हम क्या करेंगे एक एक सबको चाहिए तो एक एक और बचे चार मैं यहां से सोचना चालू करूंगा फोर वन वन ठीक है तो एक टाइप का ये कंफिगुरेशन बन सकता है फोर वन वन फिर चार में से एक कम करके थ्री कर देते हैं यहाँ पे टू कर देंगे तो थ्री टू वन एक कन्फिग्रेशन ये बनेगा अब इस पर हम बात कर चुके हैं कि इसका एक कम करके इसको देने से कंफिग्रेशन सेम ही बनेगा थ्री वन टू थ्री टू वन सेम ही बात है बिकॉज अभी हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हम डिविजन कर रहे हैं सिर्फ फिर थ्री में से एक कम करेंगे इसको टू इसको थ्री इसको वन तो सेम ही बन गया तो व्हाट वी विल डू इज हम इसका एक कम करके इसको पकड़ा देंगे तो एक और कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है टू 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 तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए और कैसे करते हैं आप अच्छे से जानते हैं जैसे फोर वन वन तो वो हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फोर वन वन बिकॉज दीज नंबर ऑफ साइज ऑफ द टू ग्रुप्स आर सेम तो ये टू फैक्टोरियल उसकी वजह से तो ये हो गया Now, We will distribute these three groups थ्री पीपल बाय थ्री फैक्टोरियल वे तो ये एक केस हो जाएगा सिमिलरली आप दूसरा केस सॉल्व करेंगे सिमिलरली आप तीसरा केस सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये आगे पीछे लिखा हुआ ये अपना पहला केस है मल्टीप्लाइड बाई थ्री कोर्स तो ये बाहर लिया हुआ है कॉमन लिया हुआ है क्योंकि सब में ये कॉमन ही आएगा थ्री फैक्टोरियल जो है सब में सेम ही आएगा तो ये पहला केस दूसरा केस अपना क्या था थ्री टू वन तो वो ये लिखा हुआ है ये डिविजन किया और मल्टीप्लाइड बाय थ्री फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और लास्ट केस जो है वो रहेगा टू 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 वाला

तीन में से एक कम करके इधर ले जाएंगे टू टू वन, बस यही दो कन्फिग्रेशन बन सकते हैं दोनों को आप सॉल्व कर लो थ्री वन वन uh, की ग्रुपिंग ऐसे होगी ग्रुपिंग के बाद फैक्टोरियल से डिवाइड कर कर डिस्ट्रीब्यूट दो मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल फिर टू वन वन की ग्रुपिंग ऐसे होगी और ये डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले वाले से आंसर आएगा सिक्सटी दूसरे वाले से आएगा नाइनटीन फुल एंड फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी जीरो तो ये जो मैंने बताया आपको ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी का और ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा क्योंकि इस टाइप के सवाल अभी में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बहुत बार पूछे गए हैं ठीक है तो प्लीज जब मैं बोल रहा हूं कि बहुत बार पूछे गए तो मार्क माइ वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान में रखना नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो होता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स तो स्पेसिफिकली ये जगह जरूरी नहीं है इसको मैं चैप्टर में कहीं भी ले सकता था बट क्योंकि अब हमने एक अच्छा परसेंटेज ऑफ चैप्टर कवर कर लिया आपको काफी बातें आती है तो आई थॉट दिस इज अ गुड प्लेस टू डिस्कस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच आर बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेट थ्योरी जो सेट्स से रिलेटेड बनते हैं तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मैं मोस्टली आई एडवांस में आए हुए सवाल से ही डिस्कस कर लूंगा ये कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं तो एक क्वेश्चन जैसे हो सकता है अ सेट कंटेेंस प्लस वन एलिमेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट व्हिच कंटेन्स एट मोस्ट n एलिमेंट्स अच्छा अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन से पहले आपने सेट थ्योरी में रट रखा है ठीक है लिटरली आपने रट रखा है वहां पे क्योंकि आपको वहाँ पे लॉजिक क्लियरली uh, बताया नहीं गया होगा क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि हम जब इलेवेंथ में नए नए आते हैं तो एकदम सेट पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग से पैटर्न पकड़ लेते हैं जैसे आई एम ट्राइंग टू से मैं अगर बोलता हूँ एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है लेट से वन वन कॉमा टू ने बल ए कॉमा बी लेते हैं तो मैं बोलता हूं बताओ कितने सबसेट होंगे इसके तो आप कैसे बनाते हो एक एम टी सेट एक सिंगल्टन सेट ए एक सिंगल्टन सेट बी और एक सिंगलटन सेट ए कॉमा बी आप कहते हैं नंबर ऑफ सबसे फोर फिर मैं बोलता हूँ ए बी सी होता तो कितने सबसेट्स बनते तो आपने बनाए होंगे ए बी सी फिर ए बी ए सी बी सी और फिर ए बी सी तो आपने बनाया सर एट बनायाट्स बन रहे हैं एम टी सेट को मिला के फिर मैंने किया ए बी सी डी तो आपने पैटर्न पकड़ना चालू कर दिया सर चार एलिमेंट्स हैं तो सोलह सबसेट बन रहे हैं तो फिर आपने एक फॉर्मूला रट लिया कि भाई टू पावर एन नंबर ऑफ सबसेट्स होता है टू पावर एन वेर एन इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज एन देन

इसका मतलब यह है कि सेट बी में स्मॉल ए आ सकता है स्मॉल सी आ सकता है और सबसेट बन सकता है तो कोई भी एलिमेंट जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो इस सबसेट में या तो होगा या तो नहीं होगा तो इस एलिमेंट के पास एक्चुअली दो ऑप्शन है आइदर इट विल बी प्रेजेंट इन द सेट बी और इट विल बी एब्सेंट इन द सेट बी

नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बारे में सोचते हैं कि वो किस किस तरीके के सबसेट हो सकते हैं या तो वो सिंगलटन सेट होगा सिर्फ ए होगा उसमें सिर्फ बी होगा या सिर्फ सी होगा या तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं ए बी ए सी ए डी या फिर बी सी बी डी इस तरीके से बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं तो अगर हम उस लॉजिक से सोचे ठीक है तो क्या क्या सबसेट बन सकते हैं तो ऐसे कितने सबसेट बना सकते हो आप जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो ऐसा एक ही ऐसा एक ही सेट होगा एम टी सेट ठीक है नाउ थिंक ऑफ दो सेट्स ऐसे कितने सबसेट बना सकते हैं हम जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा सिंगल टन सेट तो आप बोलेंगे सर ऐसे पांच बन सकते हैं या तो उसमें सिर्फ ए हो या तो उसमें सिर्फ बी हो या तो उसमें सिर्फ सी हो या तो उसमें सिर्फ डी हो या तो उसमें सिर्फ ई e हो फिर ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली exactly दो एलिमेंट होंगे

कि पांच में से जीरो लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके होते हैं ये पांच में से एक आइटम सेलेक्ट करने के इतने तरीके होते हैं पांच में से दो आइटम सेलेक्ट करने के देखो भाई सिंपल सी बात है अगर मैं बोलता हूं एक सबसेट बनाओ जिसमें सिर्फ दो लोग हो सिर्फ दो एलिमेंट हो तो आप यही बोलोगे ना वी हैव डिफरेंट थिंग्स एंड वी वांट टू सेलेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ देम हमें इन पांच लोगों में से दो लोगों को उठाना है तो कितने तरीके से उठाओगे फाइव सी टू

ये वो सबसेट्स हैं जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा नंबर ऑफ एग्जैक्टली दो एलिमेंट होंगे elements, exactly वाले. इस तरीके से मैं लिखते जाऊंगा और ये वो वाले फाइनली होंगे जिसमें एग्जैक्टली एन एलिमेंट होंगे तो इसको हम सीरीज को और आगे लिख सकते थे एन प्लस वन एन प्लस टू तक बट इसने क्या बोला है? आपके सबसेट में ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट एन एलिमेंट्स होने चाहिए

टू एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन तक के और उन सबका सम क्या होता उस सबका सम क्या होता टू की पावर टू एन प्लस वन ये आधी सीरीज लिखी हुई है इसलिए डिवाइड बाय टू है तो जिसको ये चीज की फील नहीं आती है बेटा आप फॉर द टाइमिंग आप एन को लेट से एन को आप ना थ्री रख के देख लो जैसे अगर एन की वैल्यू थ्री है सपोज एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं एन के लिए अगर थ्री है तो ये क्या लिखा हुआ है सेवन सी जीरो प्लस सेवन सी वन प्लस सेवन सी टू प्लस सेवन सी थ्री

तो 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 एक्चुअली एक्चुअली पावर 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 टोटल है है का हाफ ये हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बनती है। तो वही हमने की है, two two तो आपको याद है, उसमें हमने इस टाइप के सवाल किए नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी जे सॉरी जे मेन टू थाउजेंड थर्टीन में आया हुआ सवाल है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स

ए कॉमा वन ए कॉमा टू ए कॉमा थ्री ए कॉमा फोर मतलब इधर का एक एलिमेंट उठा लो और सब ऑर्डर पेयर बना दो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बी के साथ ऑर्डर पेयर बना लो फिर दूसरा एलिमेंट उठा लो ए का फिर इसके भी ऑर्डर पेयर बना लो इस तरीके से सो बी कॉमा वन बी कॉमा टू बी कॉमा थ्री एंड बी कॉमा फोर तो कितने ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस बी में तो ये फॉर्मूला भी आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा

काउंट दो सबसेट्स सबसेट है थ्री एलिमेंट्स तो आठ में से तीन उठा लिए एट सी थ्री अब वो वाले सबसेट्स विच हैव एग्जैक्टली फोर एलिमेंट्स तो एट सी फोर से उठा लिए चार एग्जैक्टली फाइव एलिमेंट्स एग्जैक्टली सिक्स एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेवन एलिमेंट्स एग्जैक्टली एट एलिमेंट्स इस तरीके से हम लोग अपना रिक्वायर्ड आंसर

तो हम ऐसे रिवर्स भी सोच सकते थे देखो चाहे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो चाहे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो फाइनल आंसर सेम ही आना है 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 तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्वेश्चन होगा नेक्स्ट जो है, एक अच्छा दिस इज अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि ये थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पर्टिकुलर ग्रुप थ्योरी को सेट के साथ लिंक किया हुआ है लैंग्वेज पढ़ो लैंग्वेज समझने की कोशिश करना द सेट ऑफ फर्स्ट ट्वेल्थ नेचुरल नंबर वो सैम्पल स्पेस होना चाहिए अपना कैपिटल एस होना चाहिए सॉरी जो अपना सेट एस है वो होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए तीनों एम टी सेट होने चाहिए तो इसका मतलब क्या निकलता है इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में आ गया तो वो सेट बी में नहीं आ सकता वो सेट सी में नहीं आ सकता लैंग्वेज आपको इंटरसेक्शन एलिमेंट नो कॉमन एलिमेंट अब यूनियन जो है वो कैपिटलिस्ट होना चाहिए इसका मतलब भी ये निकलता है कि हर एलिमेंट जो है एक ना एक सेट में तो जाएगा ही जाएगा और अच्छे से अगर मैं दोनों बातों को कंबाइन करके बोलूं तो इसका मतलब है हर एलिमेंट जो है एग्जैक्टली exactly एक ही सेट में जाएगा जैसे थ्री है तो नंबर थ्री तो में रखा जाएगा या तो सेट बी में रखा जाएगा या तो सेट सी में रखा जाएगा ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दो सेट में या किसी तीनों ही सेट में रखा दिया जाए और ऐसा भी नहीं होगा कि वो किसी सेट में भी ना हो उसको एग्जैक्टली exactly एक सेट में तो होना ही होना है तो दिस वे द नंबर ऑफ टू पार्टीशन इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें ग्रुपिंग करनी है कैसे करेंगे ग्रुपिंग हम बारह लोगों को फोर 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 के ग्रुप में डिवाइड करना है ऑफ तो ये ये हमने कर ली ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऐसे होती है ना अपॉन और ये इक्वल तो उतने फैक्टोरियल डिवाइड भी करने पड़ेंगे तो ये हमने उतने फैक्टोरियल डिवाइड कर दिए अब इसमें एक कंफ्यूजन ये आता है कि सर डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है ये आपको परेशान करेगा ये रखना है कि नहीं रखना है तो आप खुद कॉमन सेंस से सोचो इसने लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है एस टू बी पार्टीशनड इनटू थ्री सेट्स ए बी सी इसने नाम दे दिया बेटा इसने नाम बता दिया आपको कि भैया जो आप तीन ग्रुप बना रहे हो ना उनके नाम चिपकाने एक को हम ग्रुप ए एक को हम ग्रुप बी और एक को ग्रुप सी बोलने वाले हैं इसका मतलब हमको बांटना भी पड़ेगा हमको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा सपोज आपने डिवीजन किया तो सपोज एक ग्रुप में 1 5 11 और 12 आए ठीक है थीके? सपोज़ दूसरे ग्रुप ग्रुप में में फोर, सिक्स, एट और और नाइन आए तीसरे में जो भी बचा है टू बचा है थ्री बचा है सेवन बचा है और कौन बच गया भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाँ टू थ्री सेवन टेन तो ऐसे अपन ने तीन ग्रुप पार्टीशन कर दिए इतने तरीके से है ना अब इसमें से कौन सा वाला ए कौन सा वाला बी हम इसको ए बोल सकते हैं इसको भी ए बोल सकते हैं इसको भी ए बोल सकते हैं हम इसको सेट बी बोल सकते हैं इसको इसको सेट इसको सेट बी बी बोल सकते हैं सिमिलरली फॉर सेट सी तो हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में सो so, ये हो गया डिविजन ऑफ ऑब्जेक्ट और एक बार वो तीन डिविजन एक बार वो तीन ग्रुप बन गए तो हम थ्री फैक्टोरियल से सेट उनको नाम मतलब बेसिकली आप समझो कि हमने तीन ऑब्जेक्ट हमने तीन ग्रुप्स बना दिए ना अब अपने पास हाथ में स्टिकर है

एक सबसेट का नाम है y, एक सबसेट का नाम है नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या करो आप अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहते हो तो आप हर एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ईच एलिमेंट बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स हैज थ्री ऑप्शंस जैसे अगर एलिमेंट वन है तो उसके पास तीन बातें तो वो सेट वाई में जाएगा सेट वाई में होगा और साथ ही साथ अगर वाई में है तो जेड में नहीं हो सकता एक ऑप्शन ये है उसके पास है ना दूसरा ऑप्शन क्या है या तो वाई में नहीं जाएगा और वो जेड में चला जाएगा और तीसरा ऑप्शन है वो वाई में भी ना जाए और वो जेड में भी ना जाए ये भी एक ऑप्शन है ना तो ईच एलिमेंट हैज थ्री ऑप्शंस चौथा ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है एक आप ये भी सोच सकते हो ना सर ऐसा भी तो सबसेट है इसमें भी वन हो और इसमें भी वन हो तो चौथा ऑप्शन वो हो सकता था बट क्योंकि पे उसने इंटरसेक्शन बोला है है तो वो चौथा ऑप्शन अभी फिजिबल नहीं सो एलिमेंट टू के पास तीन तरीके एलिमेंट थ्री के पास तीन तरीके इस तरीके से आप बेसिक पीएनसी बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लॉजिक से बोल सकते हो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू ये मैंने क्या किया ये मैंने एलिमेंट वन को तीन तरीके से सेट कर दिया भाई यहाँ तो तू वाई में चला जा यहां तो तू जाड में चला जा यहां तो तू दोनों में मत कहीं मत कहीं जा चुपचाप चुपचा सिमिलरली एलिमेंट टू के पास तीन ऑप्शन एलिमेंट थ्री एलिमेंट फोर एलिमेंट फाइव ईच एलिमेंट हैज थ्री है तो ये अपना आंसर थ्री पावर फाइव सिमिलरली ये आप ट्राई कर सकते हैं ये अच्छा उसका एक ऑर्डर्ड uh, की जगह अनऑर्डर्ड वर्ड का यहाँ पे सिग्निफिकेंस आ जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं है बस वो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का ही है तो तो आप पहले ordered कर लिया करो, फिर अपन उसको में तो चार देखो बिल्कुल सेम ही है दोनों ज़्यादा फर्क नहीं है ठीक है वहां पे ऑर्डर्ड था यहाँ पे अनऑर्डर्ड है और वाई इंटरसेक्शन जेड एम सेट्स का मतलब सॉरी सेट्स का, मतलब, uh, का मतलब यही होता है कि उनका इंटरसेक्शन फाइव होगा सो so, हम कैसे अप्रोच करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया था सर एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट एलिमेंट फोर तो एलिमेंट वन के पास तीन भी एलिमेंट फोर के पास भी तीन ऑप्शन थ्री पावर फोर होता है एटी वन ठीक है अब एटी वन में समझो एटी वन में कौन कौन से लोग आए एटी वन में एक वो केस भी आपने लिया होगा जब वन टू थ्री फोर दोनों कहीं नहीं गए मतलब यहाँ पे आपने पहले सेट को भी एम सेट लिया होगा जिससे मैं वाई नाम दे देता हूँ और दूसरे सेट को भी आपने एम सेट लिया होगा तो यहाँ पे लैंग्वेज में वही है लेट P and Q be the disjoint, इसने बोला बोला तो हर एलिमेंट जो है उसके पास तीन पॉसिबिलिटी है पहले में हो दूसरे में नहीं हो दूसरे में नहीं हो दूसरे में हो पहले में नहीं हो या फिर किसी में भी नहीं हो ठीक है तो ये 81। अब इसमें से 81 में से सिर्फ एक ही ऐसा केस है जब दोनों एम टी है पी इक्वल टू क्यू है दोनों एम टी है उसके अलावा जो एटी केसेस होंगे उसके अलावा जो एटी केसेस होंगे ना वो एटी केसेस जो हैं, वो इस टाइप के होंगे जैसे अगर वन इधर चला गया है और टू थ्री फोर इधर चला गया है तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स काउंट किए मतलब एक केस ऐसा होगा जब हमने इसको P और इसको Q बोला होगा और एक केस ऐसा होगा जिसमें हमने इसको P बोला होगा टू थ्री फोर और इसको बोला होगा हमने क्यू नेचुरली ऐसा होना ही पड़ेगा है ना सो so, अगर लेट से एक क्योंकि हर ऑप्शन जो अपना हर एलिमेंट है वो यहां तो P में गया है यहां तो क्योंकि जैसे यहां पे मैंने ले लिया इसको वन टू और Q को मैंने रखा है लेट से थ्री ऐसा एक केस है ना फोर किसी के पास भी नहीं गया अगर एक केस ये है तो इसके करस्पोंडिंग एक जोड़ीदार केस ये भी रहा होगा थ्री यहां गया होगा और क्यू जो है वो वन कॉमन टू में आया होगा तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में बस यही फर्क है कि यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम दोनों को सेपरेट काउंट कर रहे थे बट अनऑर्डर्ड होने की वजह से हम इसमें सेपरेटली काउंट नहीं करेंगे तो जो 80 केसेस है ना अपने उसको हम आधा कर लेंगे क्योंकि ऑर्डरिंग की वजह से हर केस हम PQ और QP दो दो बार ले रहे हैं तो इसका मतलब लास्ट स्टेटमेंट आप ये पढ़ सकते हैं जो अपना फाइनल आंसर है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिस बी एम्प्टी सेट को हटा दिया अपन ने उसके अलावा हाफ ऑफ एट्टी फोर्टी सो so 40 अनऑर्डर्ड पेयर्स हो गए अपने ये वाले नॉन एम वाले और एक अपना एम वाला तो काउंट होना ही है सो फुल एंड फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्टी वन